हेलो दोस्तों, आप सभी को भगवान प्रभु श्री राम जी की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पूरा देश आज राममय है। आप देख सकते हैं कि मैं भी बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। अभी रात का वक्त हो रहा है 8:20, जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूजा मैं कर चुका हूँ, वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ। और आज हर व्यक्ति के मन में एक उल्लास है, एक खुशी है। भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान प्रभु श्री राम का जो आगमन हुआ है, और लोग तरह तरह से इस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। चाहे वो शादीशुदा वाले लोग हों, बिना शादीशुदा वाले हों, यानी कि अनमैरिड हों, बेरोजगार हों, रोजगार वाले हों, सभी हों। तो सोचा कि आप लोगों से आज बात कर ली जाए। और मैं इंदौर में हूँ, इंदौर में रहता हूँ, तो सोचा कि क्यों ना आज आपको दिवाली का जो माहौल है पूरा वो दिखाया जाए, जितना मैं दिखा सकता हूँ। ये तो मेरा कमरा है जिसमें मैं रहता हूँ, और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी। ये बगल से ही साईं बाबा का मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी बाबा की आरती हो रही है। आरती की शुरुआत हो चुकी है हनुमान जी बाबा की आरती से। और आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोगों के यहाँ पर किस तरीके से पूजा हो रही है, आप लोगों ने घर पर क्या किया है, और वो मुझे ज़रूर आप बताते चलें वीडियो में। और किस किस ज़िले से हैं, हर ज़िले की, हर शहर की अपनी एक विशेषता होती है, तो वो मुझे आप ज़रूर बताते चलें, जिससे मैं आप लोगों की फीलिंग्स को भी महसूस कर सकूं, समझ सकूं, उस पर बात कर सकूं। मैं बैकग्राउंड से आपको दिखा देता हूं। ये मेरी किचन है, ये दीपक अभी जलाया था हमने थोड़ी देर पहले। ये गली का पूरा माहौल आप देख सकते हैं। ये देखिए लोग जा रहे हैं, और ये गली है, घरों पर सजावट है, झंडे लगे हुए हैं भगवान प्रभु श्री राम के। और ये बगल से साईं बाबा का मंदिर है, जहाँ पर ये पूजा अर्चना चल रही है। अब किचन से मैं आपको ले चलता हूँ। ये यहाँ पर दीपक लगाए हैं हम लोगों ने, ये दीपक लगाए हैं, ये पूरा माहौल है। ये बगल से मंदिर है, यहाँ पर दीपकों की रोशनी, और ये साईं बाबा का मंदिर है, जहाँ पर भक्त भगवान प्रभु श्री राम की और भगवान हनुमान जी बाबा की आरती के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरा देश इस समय राममय है, पूरा देश इस समय राममय है। और आप ये देख सकते हैं, पूरा हर्षोल्लास का माहौल है। तो ऐसे में सोचा कि आप लोगों से ये पूरी बात की जाए, तो आप लोग भी साथ ही साथ ये बताएं कि आपके शहर में, आपके यहाँ पर किस तरीके से आयोजन हो रहे हैं, उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और ये देखिए आप, पूरा लाइट जितनी प्रॉपर है उस अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और जो हमारे साथ जो बेरोजगार भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो भी बताएं कि आप लोग जो है किस तरह से भगवान प्रभु श्री राम का आज आगमन हुआ है, राम में पूरा माहौल है, आप लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि अब देश में और क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव होना चाहिए, लोगों के जीवन में क्या बदलाव होना चाहिए, और आप लोग क्या सोचते हैं कि अब राममय माहौल हो गया है तो उसके बाद और क्या चेंजेस आप लोग अपने जीवन में देखते हैं, अपने भारत देश में देखते हैं कि क्या चेंजेस होने चाहिए। और आप लोगों ने आज का दिन किस तरीके से सेलिब्रेट किया है, किस तरीके से एंजॉय किया है, किस तरीके से आगमन को आपने किस तरीके से अपने घर पर मनाया है। और मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था, जो पिछला ब्लॉग बनाया था उसमें कई सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैंने पढ़े हैं। मैं कोशिश करूंगा अगले ब्लॉग में उन कमेंट को शामिल कर सकूँ, उस पर हम बात भी करेंगे। और आज फिलहाल हम बात करने वाले हैं भगवान प्रभु श्री राम को लेकर के, कि भगवान प्रभु श्री राम के जीवन से लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए और हर किसी को क्या सीखना चाहिए। जो लोग भगवान प्रभु श्री राम पर बात करते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, उन लोगों को भी अपने जीवन में क्या उतारना चाहिए, और क्या अपने देश में अब लोग भगवान प्रभु श्री राम के सिद्धांतों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भगवान प्रभु श्री राम के किस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई भगवान प्रभु श्री राम जी ऐसा बन सकता है, कोई भी नहीं बन सकता है, लेकिन भगवान प्रभु श्री राम के किन आदर्शों को जीवन में उतारना चाहिए, और क्या हमारे देश की व्यवस्था राम राज्य जैसी हो सकती है, या अभी उसमें बहुत समय लगेगा, या अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, या भगवान प्रभु श्री राम जैसी व्यवस्था, राम राज्य जैसी व्यवस्था होने के लिए अभी बहुत सारे त्याग करने होंगे, और क्या हमारे देश का युवा के इस पूरे मसले पर किस तरीके की सोच रखता है, किस तरीके के विचार रखता है, वो भी आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताते चलें, साथ साथ में चर्चा आप लोगों से जो मैं कर रहा हूँ उसको करते हुए।
और आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हैं, बगल से मंदिर से आ रही है, तो आप भी इस पूरे जो है धार्मिक भावनाओं को सेलिब्रेट कीजिए, भगवान प्रभु श्री राम के आगमन को सेलिब्रेट कीजिए, और साथ ही साथ अपने विचार जरूर रखिए, क्योंकि विचार रखना बेहद ज़रूरी है। विचारों से ही एक दूसरे को सीखने को मिलता है, परिवर्तन होता है, और कहीं ना कहीं लोग सीखते हैं उससे। तो मध्य प्रदेश के चूंकि युवा हमसे ज़्यादातर जुड़े हैं, इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि युवाओं पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें, उनके विचारों को जान सकें, और आज का युवा किस तरीके की सोच रखता है हर विषय पर, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा पद्धति हो, धार्मिक विषय हो, या फिर हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था हो। क्या इसके बाद भारत का नया उदय हुआ है, भारत जो है नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, या फिर अभी बहुत समय लगेगा? आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के, और आपके घरों में किस किस तरीके के पकवान बने हैं, किस किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है आज भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को? क्या बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल लग रहा है जैसे दिवाली पर होता है, या उससे भी बढ़कर के जो है माहौल आपके यहाँ पर है? और सोशल मीडिया पर तो हमने देखा लोग तरह तरह के विचार रख रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके विचारों को भी जाना जाए, आपके विचारों के बारे में भी पूछा जाए। ये देखिए दीपक पीछे जल रहे हैं, अभी यहाँ पर जो आसपास में लड़के रहते हैं जो तैयारी करते हैं, उन्होंने यहाँ पर ये दीपक जलाए हैं, पास में ही रहते हैं वो लोग भी। और देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, भगवान प्रभु श्री राम के आगमन पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही धार्मिक, मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है सुन करके, देख करके। इस तरीके के आयोजनों को, इस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर होने भी चाहिए, क्योंकि धार्मिक चीज़ों से जब जुड़ाव होता है तो हमारे जीवन में भी निश्चित तौर पर अगर हम प्रयास करें तो परिवर्तन होता है। प्रयास करने भी चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कष्ट व्यक्ति को भी उठाना पड़ता है। ये देखिए हनुमान जी की आरती बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रही होगी। ज़्यादा देर मैं इसलिए नहीं रखता म्यूजिक को, क्योंकि फिर कॉपीराइट की दिक्कत आ जाती है। आजकल कॉपीराइट का बहुत इशू है, थोड़ी थोड़ी चीज़ पर कॉपीराइट आ जाता है। तो आप लोग मुझे बताएं, और वीडियो को आप ज़रूर शेयर किया करें, पूरा देखा करें, उस पर अपनी राय ज़रूर रखा करें, क्योंकि जब आप राय रखते हैं तो आपसे बात करने में बड़ी आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। और अगले कार्यक्रम जो भी मैं बनाता हूँ, या ब्लॉग बनाता हूँ, या सरल टॉक पर या सरल कॉमेडी पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें भी बहुत हेल्प रहती है। इसलिए मैं कमेंट की कहता हूँ कि अपने विचार ज़रूर रखा करें, और इस चैनल को, शर्मा जी के ब्लॉग्स हमारा नया चैनल है, तो इसे आप ज़रूर अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, हर जगह इसे ज़रूर शेयर करें। और मेरी कोशिश है, मैं आपको बता दूँ कि जो पिछला ब्लॉग मैंने डाला था, तो आप लोग अपने बारे में थोड़ा सा बताया करें, कहाँ से है, किस जगह से है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि कार्यक्रमों में मैं आप लोगों को भी सम्मिलित कर सकूं, हम रिकॉर्ड कर सकें, आपकी स्थिति को दिखा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, आप लोगों का जीवन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप लोगों से कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है या लोग सीख सकते हैं, तो उसे मैं जन जन तक पहुँचाऊँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, ये मेरी कोशिश है। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा उसमें विस्तार से लिखा करें, जिससे हम आपके ज़िले से अगर कभी भी निकलें तो वहाँ पर कार्यक्रम रिकॉर्ड कर पाएँ, या अगर आप इंदौर के हैं, और विशेष रूप से मैं इंदौर वाले या ग्वालियर मुरैना वालों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ से हैं, क्योंकि इंदौर में रहता हूँ, ग्वालियर मुरैना बीच बीच में मेरा जाना होता है, तो अगर आप वहाँ से हैं तो ज़रूर बताएं, क्योंकि आसानी से प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, इंदौर के आसपास हों, ग्वालियर के आसपास हों, मुरैना के आसपास हों, कोई ग्रामीण इलाका हो आसपास का, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती है हमें नहीं पता है कि कोई चीज़ दिखानी चाहिए ब्लॉग के माध्यम से, तो हम वो भी दिखाना चाहते हैं, लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। और मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ कि माता पिता के विचारों को भी मैं लाऊं, बच्चों के जो माता पिता हैं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत कुछ अनुभव उनके जो होते हैं वो शेयर मिलते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कार्यक्रमों में माता पिता से बातचीत नहीं हो पाती है, बच्चों से फिर भी हो जाती है, या अन्य लोगों से फिर भी हो जाती है, ग्रामीण लोगों से नहीं हो पाती है, मोहल्ले वालों से नहीं हो पाती है। तो मेरी कोशिश अब की ये है कि मैं थोड़े से अलग ब्लॉग बना पाऊँ, अलग कार्यक्रम बना पाऊँ, और आप लोग भी अपने आइडियाज़ इसमें ज़रूर बताएं, क्योंकि लोगों के दिमाग में गज़ब के आइडिया आते हैं, हो सकता है कि आपका आइडिया मेरे दिमाग में ना आ पा रहा हो और मैं उस पर भी कार्यक्रम बना पाऊँ। तो ब्लॉग किस तरीके के बनाने चाहिए, थोड़े से वो भी आप मुझे आइडिया दें, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, जो समझ में आता है उस तरीके से मैं बना लेता हूँ। और आप लोग चूँकि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते होंगे, देखते होंगे, तो ब्लॉग की अगर विशेष रूप से मैं बात करूँ तो किस तरीके के ब्लॉग लाने चाहिए वो भी आप ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बताएं कि अब राम जी का आगमन हो गया है, मध्य प्रदेश की सरकार या अन्य राज्यों की जो सरकार है
उनको बच्चों के जो भर्तियां हैं, रिजल्ट्स हैं, नियुक्तियां हैं, उनको लेकर के किस तरह के बदलाव करने चाहिए और किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे वहां तक ये बात पहुंचे तो वो आपकी बातों पर विचार जो कर सकें और बदलाव कर सकें। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले ब्लॉग में जो भी आप लोग आइडियाज़ देंगे, जो भी आप लोग बताएंगे कि अगला ब्लॉग किस तरीके से बनाना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस तरीके से बनाने की। जय सीताराम।